नगर पालिका परिषद हापुड़ द्वारा पानी की लाइन को ठीक करने के लिए 2 दिन पहले गड्ढा खोदा गया, जो कि गंभीर हादसों को न्योता दे रहा है। नगर पालिका द्वारा मोहल्ला इंद्रलोक कॉलोनी में स्थित DAV स्कूल के पास एक गड्ढा खोदा गया था, जिसमें विद्युत विभाग का खंभा लगा हुआ है, जो कि पानी के अंदर ही है, जिसमें कभी भी करंट उतर सकता है और कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। साथ साथ खंभे के गिरने का भी डर मोहल्लेवासियों को सता रहा है, लेकिन नगर पालिका परिषद हापुड़ पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये पहला वाक्य नहीं है जब नगर पालिका परिषद ने ऐसे ही खुले में गड्ढे छोड़ दिए थे। ई हापुड़ न्यूज़ ने इससे पहले इसी तरह की खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद गड्ढों को भरा गया था। अब पानी के अंदर ही लोहे का विद्युत विभाग का खंभा लगा हुआ है, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकता है। इसके गिरने का भी डर सता रहा है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए।